सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरिए, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसको वो अपनी सबसे करीब मानता है। चाहने से हर चीज अपनी नहीं होती, हर मुस्कुराहट खुशी नहीं होती। अरमान तो बहुत होते हैं, मगर कभी वक्त तो कभी किस्मत अच्छी नहीं होती। हंसी आती है मुझे उन लोगों पर जो बाहर से मेरे साथ है और अंदर से मेरे खिलाफ। आज का पंचांग 4 जून 2022, दिन शनिवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। सुबह 4:52 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र रात्रि 9:55 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्लेषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:04 से 10:45 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगी। धनु राशि 4 जून 2022, दिन शनिवार। अगर कुछ लोग आपको नहीं समझ पा रही हैं तो उन्हें अपना हर एक काम समझाने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करें। वे कभी नहीं मानेंगे। आप काफी व्यस्त रहेंगे, लेकिन आपको आने वाली जरूरतों के कारण पहले वाली योजनाओं में भी कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। इस स्थिति की मांग के अनुसार कार्य करें। ग्रहों के चाल के अनुसार धनु राशि वालों के लिए आज के दिन व्यापारिक कार्यों में अधिक भागा दौड़ी की स्थिति को दर्शाने वाला रह सकता है। कार्य क्षेत्र पर काम धंधे से संबंधित कार्यों में आपको दिन भर भाग दौड़ करनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन क्षेत्र से जुड़े लोग आज के दिन अच्छा कारोबार करते देखे जा सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी। नौकरी पेशा वर्ग में कुछ कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। घर परिवार में कोई न कोई कार्यक्रम का आयोजन आज किया जा सकता है, या फिर आज आप धार्मिक विषयों पर किसी के साथ चर्चा कर सकते हैं। आज का दिन विद्यार्थियों के लिए उत्तम रहने वाला है, क्योंकि वह पढ़ाई में अच्छे प्रदर्शन करेंगे और सफलता अवश्य हासिल करेंगे। यदि व्यवसाय संबंधित कुछ समस्याएं हैं तो उन्हें आपको अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ मिलकर सुलझाना बेहतर रहेगा। आपको खान पान से कोई पेट संबंधी समस्या हो सकती है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप कुछ खरीदारी करेंगी, जिसमें आपको अपनी आय को ध्यान में रखकर ही व्यय करना बेहतर रहेगा। ननिहाल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। सावधानियां, आज ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, जिससे आपको सावधान रहना होगा। गृहस्थ जीवन आनंदमय रहेगा। जो लोग घर से दूर नौकरी में कार्यरत हैं, वह अपने परिवार के सदस्यों से फोन पर बातें करेंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। अच्छा, आपको अपने बुजुर्ग रिश्तेदार के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना है। आपके अन्य बातों में व्यस्त होने की संभावना है, जिसकी वजह से आप अपने साथी को समय नहीं दे पाएंगे। परंतु आपको अपने साथी से बहुमूल्य व्यवहारिक और भावनात्मक समर्थन मिलेगा। आपका साथी आज वित्तीय मामलों में भी आपकी मदद कर सकता है, इसलिए अपनी प्रशंसा दिखाना ना भूलें, चाहे वह एक लघु रूप में क्यों ना हो। बात करते हैं करियर की। इस बात के काफी मजबूती से संकेत मिल रहे हैं कि आपको अपनी नौकरी की वजह से विदेश जाना पड़ सकता है। जिन विद्यार्थियों ने वीजा के लिए आवेदन किया हुआ है, उनका काम आज पूर्ण होने के आसार बन रहे हैं। आपका कार्य स्थान का परिवर्तन ऐसे जगह हो सकता है जिससे आप अनजान हो। आपको इस अवसर का लाभ उठाना है, ताकि ये मौका कहीं हाथ से ना निकल जाए, जिससे आपके करियर को नई गति मिलेगी। अगर आप पहले से ही विदेश में कार्यरत हैं, तो अपनी मातृभूमि में वापस कार्य करना इतना लाभप्रद नहीं होगा। बात करते हैं सेहत की।
अच्छा आपकी सेहत अच्छी रहेगी। पिछले कुछ समय से हो रही परेशानियां भी आज कोई तकलीफ नहीं देगी। अपनी वार्षिक स्वास्थ्य जांच करा लेने के लिए भी बिल्कुल ठीक समय है। अगर आज कोई छोटे छोटे एलर्जी या अन्य समस्या होती है तो इस पर तुरंत ध्यान दें, क्योंकि बाद में यह तकलीफ काफी बढ़ सकती है। आज का उपाय, आज आप शनि भगवान जी को नीले फूल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।